छतरपुर में भी कोरोना संक्रमण के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार को आई रिपोर्ट के अनुसार जिले में 12 कोरोना मरीज निकले, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने कोरोना नियमों का पालन न करने वालों के लिए अस्थायी जेल भी बना दी है। वहीं कोरोना को लेकर जागरूकता के लिए फ्लैग मार्च भी निकाला गया। छतरपुर शहर में 6 और 1 साथ 12 मरीज मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन अलर्ट हो चुका है। पुलिस ने ब्लैक कमांडो के साथ फ्लैग मार्च निकालते हुए लोगों को मास्क एवं सोशल डिस्टेंस के लिए अलर्ट किया। पुलिस द्वारा शहर के स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाया गया है, जहां पर बगैर मास्क के घूमते लोगों को रखने की बात एसपी सचिन शर्मा ने कही है। इतना ही नहीं, फ्लैग मार्च के दौरान स्थानीय प्रशासन द्वारा उन दुकानों को सील किया गया जिनके दुकानदार और ग्राहक मास्क नहीं लगाए हुए थे। साथ ही सभी को हिदायत दी गई है कि बगैर मास्क के कोई भी घर से ना निकले। दुकानदार भी मास्क का इस्तेमाल करें, नहीं तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूरी पुलिस टीम के साथ हम लोग निकालने के पीछे उद्देश्य है कि जो कोरोना का केस है छतरपुर जिले में और छतरपुर शहर में भी बढ़ रहे हैं, इसका उद्देश्य यह है कि लोगों को ये खुद ध्यान देना होगा कि अपना मास्क लगाएं, जिससे कि वो खुद सुरक्षित रहें। दुकानदार हैं वो खुद लगाएं, जिससे वो सुरक्षित रहे और उनकी दुकान विधिवत संचालित होती रहे। अभी जो कोरोना के केसेस हैं लगातार जो बढ़ रहे हैं और कोरोना की स्थिति जो प्रदेश के अन्य ज़िलों में बढ़ रही है, उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप चाहते हैं कि छतरपुर ज़िला इसी तरीके से ठीक से संचालित होता रहे, ठीक से सारी चीज़ें चलती रहें, तो उससे बचने के लिए एकमात्र उपाय है कि कोरोना के बचने के लिए मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें, सैनिटाइज बार बार प्रयोग करें। इसी संदेश को देने के लिए फ्लैग मार्च किया जा रहा है। छतरपुर ज़िले में कलेक्टर सर और मेरे द्वारा आज यहाँ पर फ्लैग मार्च निकाला जाएगा। इसमें आज जो यहाँ स्टेडियम है उसको ओपन जेल में तब्दील किया जाएगा और अलग अलग पॉइंटों पर वाहन रखे जाएंगे और जो भी व्यक्ति मास्क नहीं पहनता है उसको वहां से उठा के सीधे ओपन जेल में भेजा जाएगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।